नमस्कार। देखिए, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, वैकेंसी आई है आपको प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। ये देख लीजिए, इंस्टीट्यूट जो है केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कोकराझार, डीम टू बी यूनिवर्सिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। और इसमें प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है। तो देखिए, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये एडवर्टाइजमेंट फर्दर रिडायरेक्ट हो रहा है यहाँ पे, और 16/10 को ये एडवर्टाइजमेंट आया है। और देखिए, इसमें नीचे अगर आते हैं तो इसमें देखिए डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट एंड डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, और इसके दो फॉर्मेट दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म के, MS Excel और MS Word। तो इसमें देखिए करना क्या है, 4 नंबर पे लिंक जो है, इसमें दो काम करने हैं आपको अप्लाई करने के लिए। एक तो आपको ये 4 नंबर पे, नंबर 4 पे जो लिंक है, इसको क्लिक करके, ये गूगल फॉर्म है, तो इसमें अपना डिटेल सबमिट करना है जो कि यूनिवर्सिटी को ही जाएगा। और दूसरा काम करना है यहाँ पे जो एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड करके, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं MS Word का फॉर्मेट है, इसको डाउनलोड करके प्रिंट करके फिर आपको अपना एप्लीकेशन उसमें, मतलब अपना डिटेल उसमें फिलअप करके, और फिर आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से सेंड करना है। और सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके ज़रूरी हैं उसको इनक्लोज करना है, और डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड वगैरह करना है। देन आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से गिवन एड्रेस पे सेंड करना है। अब एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ से देख सकते हैं, तो आइए हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में ये वैकेंसी है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोकराझार, देखिए प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी हम देख लेते हैं, और सब्जेक्ट और कैटेगरी यहाँ गिवन है। तो देखिए, सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट है जो कि OBC को जा रहा है। एसोसिएट प्रोफेसर की देखें सिविल इंजीनियरिंग में एक वैकेंसी जनरल कैटेगरी के लिए, एक SC के लिए है। फिर वैसे कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में देखें तो एक वैकेंसी प्रोफेसर के लिए है, और एक प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी ऑन रिजर्व के लिए है, और एक वैकेंसी SC के लिए है। फिर उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर में एक वैकेंसी जनरल के लिए, एक OBC के लिए, एक ST के लिए। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखें तो एक वैकेंसी जनरल के लिए है प्रोफेसर का, और एसोसिएट प्रोफेसर की कॉलम में देखें तो एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में देखें तो एक वैकेंसी आपको अनरिजर्व के लिए, एक वैकेंसी OBC के लिए है। फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में देखें तो प्रोफेसर की एक वैकेंसी जनरल को जा रही है, एक OBC को जा रही है, और एसोसिएट प्रोफेसर की एक वैकेंसी SC के लिए है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में देखें तो एक वैकेंसी है एसोसिएट प्रोफेसर की ST के लिए। फिर उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है, और उसके बाद मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन एंड डिज़ाइन में एक वैकेंसी प्रोफेसर की है जो कि अनरिजर्व के लिए है, और एसोसिएट प्रोफेसर की कॉलम में देखें तो एक अनरिजर्व के लिए है, एक OBC के लिए है। अगर आप की कैटेगरी में पर्टिकुलर सीट नहीं है तो आप जनरल में भी फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि जनरल सबके लिए ओपन होता है। आगे देखिए, इसमें एलिजिबिलिटी जो दी गई है इस टेबल में, इसमें कहता है कि इसमें से कोई भी अगर आपकी स्पेशलाइजेशन है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी आप देख लीजिएगा डिटेल में, और इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या आप गूगल से भी जा सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ भी फर्दर इस क्वालिफिकेशन को यहाँ बताया गया है, और इसमें कहता है कि PhD इन अ रिलेवेंट फील्ड, यानी PhD होने वाली है, और एक्सपीरियंस वगैरह भी मांगा गया है। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा इसको। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो देखिए, इसमें SC ST OBC कैंडिडेट को एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, और रिलैक्सेशंस भी मिलेंगे एज वगैरह में। और इसमें फ़ी की बात करें तो देखिए, जनरल कैटेगरी और OBC के लिए जो फ़ी होने वाला एप्लीकेशन फ़ी 1500 रुपये फ़ी होने वाला है, और अदर दैन जनरल एंड OBC जो SC ST कैंडिडेट हैं उनसे 750 फ़ी लगेगा। PWBD और वुमेन कैंडिडेट इसमें एग्जेम्प्टेड है। और इसमें करना कि आपको डिमांड ड्राफ्ट भेजना है, यहाँ पे एड्रेस दिया गया है इन फेवर ऑफ
जो होता है डिमांड ड्राफ्ट, इसमें आपको डिमांड ड्राफ्ट सेंड करना है एप्लीकेशन के साथ ही। और आप जो एप्लीकेशन सेंड करेंगे उसके इनवेलप पे आपको पोस्ट और डिपार्टमेंट मेंशन करना है। और कहता है कि इसमें आपको एप्लीकेशन को सेल्फ अटेस्टेड करना है और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स जो आप इनक्लोज कर रहे हैं उनको भी सेल्फ अटेस्टेड करना है और 2 कॉपी सेंड करना है। जो डेट होने वाला है, देखिए अप्लाई करने का जो डेट है ऑनलाइन, इसमें 12 नवंबर 2023 तक अप्लाई करना है। और जो आपको एप्लीकेशन हार्ड कॉपी सेंड करना है अलॉन्ग विथ 2 फोटोकॉपी ऑफ द सेम, इसमें 19 नवंबर 2023 तक ये पहुंच जाना चाहिए। यानी ऑफिस में यहाँ एड्रेस दिया गया, इसी ये जो एड्रेस है टू द रजिस्ट्रार, इस पर आपको सेंड करना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और कोई सजेशन और सुझाव है इस वीडियो को लेकर या कोई टॉपिक को लेकर या कोई वैकेंसी को लेकर, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं या सजेस्ट कर सकते हैं। हम आपके बात को आगे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, आपके सजेशन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। सो टेक केयर, गुड लक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।